भारत वर्ष में कारगिल दिवस को 21 वर्ष बीत चुके हैं। बता दें कि हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने आज से ठीक 21 साल पहले भारत की सीमाओं पर घुसपैठ की थी, जिस वजह से दोनों देशों के बीच काफी दिनों तक युद्ध चला था, जिसमें बहुत से भारतीय सैनिक शहीद हुए और 26 जुलाई को ये युद्ध संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सेना को जीत हासिल हुई। वहीं हर वर्ष इस दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धर्मशाला के राजा युद्ध स्मारक समिति के अध्यक्ष कर्नल कुंवर कमलजीत सिंह डडवाल ने कहा कि काफी खुशी का दिन है, लेकिन इस खुशी के साथ थोड़ा उदास भी है, क्योंकि बहुत सारे सैनिक जवानों ने शहादत दी थी। उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी सावधानी बरती जा रही है, इसके अलावा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करवाया जा रहा है। अगर कोई भी नागरिक यहां आकर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है तो यहां आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। वहीं आज बहुत से लोगों ने यहां आकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भले ही अभी 2 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई हैं। कांग्रेस भाजपा में एक दूसरे को लेकर जमकर बार पलट बार का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस जहां प्रदेश में सत्ता सिंह भाजपा को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती, वहीं भाजपा भी कांग्रेस को माकूल जवाब देने से पीछे नहीं रही है। भले ही देश व प्रदेश में कोविड-19 के कारण विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई हैं और खुलकर रैली और धरने प्रदर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस व भाजपा किसी न किसी बहाने लोगों को इकट्ठा करने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। कांग्रेस महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि व बस किराए को लेकर भाजपा पर हमलावर है। वहीं वह इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं चूक रही है। भाजपा को सत्ता से दूर करने का कांग्रेसियों पर इस कदर भूत सवार है कि उन्हें 2022 व 1922 में भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय महाजन ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस 100% प्रदेश में 1922 में सत्ता में वापसी करेगी। महाजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली के थर्ड फ्रंट के बयान पर अपना पक्ष रख रहे थे। जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि पूर्व मंत्री जीएस बाली हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जीएस बाली ने जो नेताओं को जमीन से जुड़ने और लोगों को रोजगार देने की बात कही है, वो सीधे तौर पर जीएस बाली का भाजपा की ओर इशारा था कि यदि आपका आचरण इस तरह का रहेगा तो आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी वर्ष 2022 में 100% सरकार बनाएगी और भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री जीएस बाली ने प्रदेश में थर्ड फ्रंट और नेताओं की जमीन से जुड़ने और लोगों को रोजगार देने की बात भी कही थी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने सोशल मीडिया शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला, केंद्र सरकार देश में हर क्षेत्र में खिलवाड़ कर रही है। जब से केंद्र में भाजपा सत्ता आई है तब से जन विरोधी फैसले थोप कर जनता को परेशान कर रही है। अब केंद्र सरकार ने पूरे देश में डाक विभाग में ब्याज दरों को घटाकर जनता के साथ अन्याय कर रही है। पठानिया ने कहा कि केंद्र की पूर्व कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाक विभाग को मजबूती प्रदान की और जनता के हितों को ध्यान में रखकर ब्याज दरों को बढ़ाया था, लेकिन आज पूरे देश में डाक विभाग की ब्याज दरों को घटाकर जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिससे देश की जनता में काफी रोष देखने को मिल रहा है। पूर्व में डाक विभाग में RD पर 7.2% ब्याज मिलता था, आज केंद्र की भाजपा सरकार ने घटाकर 5.8% कर दिया, जो कि 1.4% पर जनता को नुकसान दिया है। एक, दो और तीन साल की FD पर पहले 6.9% जनता को मिलता था, अब 6.6% कर दिया है, जिसमें 1% की कटौती की गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग योजना में 8.6% मिलता था, आज इसको घटाकर 7.4 किया जा रहा है, जिसमें 1.2% की कटौती की गई है। ये सरासर जनता के साथ अन्याय है।
पठानिया ने कहा कि पीएम केयर फंड में अरबों रुपए इकट्ठा हुए, जिसका केंद्र सरकार जनता को कोई हिसाब नहीं दे रही है। उल्टा केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारियों पेंशन में कटौती की गई। अब देश की आम जनता पर डाक विभाग में ब्याज घटाकर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। पठानिया ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से देश भर में हर इंसान प्रभावित हुआ है, लेकिन देश की सरकार जनता पर जन विरोधी फैसले लेकर और कहर ढा रही है। पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के साथ अन्याय ना करे और ब्याज दरों को घटाने के बजाय बढ़ोतरी करे। सोलन अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला आने के बाद उसके संपर्क में आए चिकित्सक समेत 31 कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया था। वहीं एहतियातन सोलन के अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम भी सील कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी के टेस्ट करवाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग इन सभी की रिपोर्ट को लेकर बेहद चिंतित था, क्योंकि अगर इनमें से किसी की भी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो सोलन वासियों के लिए खतरे की घंटी साबित होती। लेकिन सुखद बात ये रही कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि सोलन अस्पताल में सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके लिए कल अस्पताल में सील किए गए वार्डों को सैनिटाइज किया जाएगा और पहले की तरह अस्पताल में कार्य चलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले कल सोलन में 69 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए थे, जो नालागढ़ क्षेत्र के थे, जिसमें से कुछ निजी उद्योगों के कर्मचारी थे तो कुछ आसपास के क्षेत्रों से आए थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कदम उठा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण ज्यादा ना फैले।